तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन एम्परर का एपिसोड 3। तो हम देखते हैं कोई चिल्ला रहा होता है, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये प्रिंसेस होती है और बोल रही होती है हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें वापस जाना होगा। फिर उसका छोटा भाई बोलता है तुम हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम हमारे गुलाम हो। तो एम्परर अचानक से रुक के प्रिंसेस को नीचे पटक देता है। फिर भी प्रिंसेस चिल्ला रही होती है हमें वहाँ जाना होगा, हम उन्हें हमारे लिए जान नहीं देने देंगे। तो एम्परर बोलता है जाना है तो जाओ, पर क्या तुम उन लुटेरों को हरा सकती हो? लुटेरे हमें ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हें अभी मरना है तो जाओ। फिर प्रिंसेस का छोटा भाई चिल्लाने लगता है गुलाम तुम अपने मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते, जाने दो हमें। तो एम्परर बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बट पे हिट करूं और तुम्हें पनिशमेंट दूं? लड़का बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की गुलाम? तो एम्परर अजीब सा स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि वो लड़का प्रिंसेस के पास रो रहा होता। आप सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एम्परर बोलता है ये तो बस एक छोटा सा पनिशमेंट था, ये उनके हाथों मरने से तो अच्छा ही है। और पूछता है यहाँ कोई छुपने की जगह है क्या? तो प्रिंसेस बोलती है यहाँ कोई छुपने की जगह नहीं है, यहाँ पर वेस्ट पे एक फॉरेस्ट है, लेकिन ये तो उन लुटेरों को भी पता होगा। फिर एम्परर बोलता है हाँ तो ठीक है हम वहीं जाएंगे। फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ फॉग होता है और ये फॉग सालों से वहाँ से नहीं हटी है। प्रिंसेस बताती है यहाँ पास में एक ब्लैक विंड माउंटेन है और वहाँ का चीफ बहुत ताकतवर है। एम्परर हंसते हुए बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। फिर प्रिंसेस अपने भाई को बोलती है तुम इसके साथ जाओ, मैं लुटेरे को ध्यान भटकाती हूँ। तो एम्परर बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं इस जगह को नहीं जानता हूँ, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं उसी वक्त इस बच्चे को मार दूंगा, वैसे भी तुम यहाँ से गई तो मरने के समान ही है। और अपनी लाइफ की कदर करो जिसे तुम्हारे लोगों ने बचाया है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत कीमती है, इससे अच्छा होगा कि हम उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दें। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर प्रिंसेस पीछे से चिल्लाती है जाऊपन तुम उन्हें अकेले नहीं हरा सकते, उन गंजिया के पास बहुत ताकतवर लोग हैं और वैसे भी तुम अभी कर ही क्या सकती हो। तो एम्परर बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, अरे उन लोगों का तो मेरे सामने खड़े होने का भी औकात नहीं है, और तुम्हारे हाथ में जो लू फैमिली का आखिरी होप है वो स्पिरिचुअल रिंग मुझे दे दो। फिर प्रिंसेस गुस्से से उसकी तरफ वो रिंग फेंकती है और बोलती है ये मेरा फैमिली ट्रेजर है, अगर तुमने इसे कहीं खोया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एम्परर बोलता है शांत हो जाओ मिस, यहाँ वेट करो, बोल के वहाँ से वो चला जाता है। फिर प्रिंसेस का भाई बोलता है ये गुलाम बहुत घमंडी है, तुम्हें इसे सबक सिखाना ही होगा। तो प्रिंसेस बोलती है भले ही वो गुलाम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता पर उसने हमारी मदद की है और उन लोगों को से तो अच्छा ही है जो बस खड़े होके देखते रहते। फिर हम देखते हैं एम्परर को, वो एक जगह आके रिंग को निकालता है और बोलता है 9 रिमोट घोस्ट गेट एक्टिवेट, और उस रिंग से रोशनी बाहर आने लगती है और जंगल के बाहर से प्रिंसेस देखती है वहाँ से सारा फॉग गायब हो गया होता है। फिर एम्परर वहाँ आता है और प्रिंसेस पूछती है ये अभी क्या हुआ, क्या ये तुमने किया? एम्परर बोलता है शांत हो जाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा ताकि तुम जब वो लोग आए तब उनसे लड़ सको। और उनको फिर एक जगह ले जाता है और बोलता है चिंता मत करो, मैंने लिमिट सेट कर दिया है, तुम बस उनके मरने का इंतजार करो, ये क्या है हमें बाद में पता चले। फिर हम देखते हैं सुन गंजिया को, उसने पेंग टोंगली को पकड़ लिया है। सुन गंजिया बोलता है मैं तुम्हारी मदद से अपनी मांग पूरी करवाऊंगा और तुम्हें इस फॉरेस्ट में हमें रास्ता दिखाना होगा। फिर वो चल के जा रहे होते हैं और अचानक से देखते हैं कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ, और फिर हम देखते हैं कि ये एम्परर है। सुन गंजिया बोलता है साउफान तुम तो बहुत हिम्मत वाले निकले जो मेरे सामने आ गए, और अपने आदमियों से बोलता है जल्दी पकड़ो उसे और मार दो। तो उसका एक आदमी स्पीड से एम्परर की तरफ अटैक करने को बढ़ता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।